हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीम पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले जो बीम होती है हमारे पास, वो हमारे पास चार टाइप की थी। चार टाइप से हम उन टाइप से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, सिंपल सपोर्टेड बीम गिवन है। सिंपल सपोर्टेड बीम पे फर्स्ट एंड पे हमारे पास हिल सपोर्ट है और दूसरे हमारे पास क्या है, रोलर सपोर्ट। इसमें हमारे पास क्या है, ए पॉइंट वन और ये बी पॉइंट। ये जो बी की लेंथ है हमारे पास 4 मीटर, हमारे पास कितनी है 4 मीटर। और हमारे पास है 10 किलोन्यूटन का एक लोड लग रहा है, और लोड किस लिए चल रहा है, वो पॉइंट लोड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वो सी पॉइंट पे लग रहा है और यहां से सी डिस्टेंस 2 मीटर। जबकि ए सी की डिस्टेंस 2 मीटर है और टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, तो सी से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 - 2 = 2। हमें फाइंड करनी है रिएक्शन, तो रिएक्शन है ए पॉइंट एंड रिएक्शन है बी। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारे पास उसमें क्या था, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास इन सपोर्ट होगी, उसको दो रिएक्शन वर्क करेंगे, एक वर्टिकल अपवर्ड में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखो इस पूरी जो हमारे पास फिगर की बन है, उस फिगर में हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं। अगर हम बात करते हैं इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल आर एच। अब यहां से फिगर हो गया क्योंकि इन सपोर्ट हमारे पास है कि दो रिएक्शन आ गई और रोलर में हमारे पास एक रिएक्शन। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे पास 3 कंडीशन होगी, और वो तीनों कैसी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी हमारे पास समीशन एफएक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगेंगे उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड लगने वाले फोर्स के सम के। तो इस पूरी फिगर में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है। यहां पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, इस समीकरण fx = 0, fx = 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि राइट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्स। यहां से क्या किया, rh की वैल्यू फाइंड की, और rh की वैल्यू कितने हमारे पास 0, 0 इसलिए है कि हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं था। जब कोई फोर्स नहीं होगा तो वहां पे क्या रहेगा 0। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकंड कंडीशन में हमारे पास समीकरण y = 0। y का मतलब क्या होगा कि अपवर्ड फोर्स का सम डाउनवर्ड फोर्स के सम के इक्वल होगा। तो यहां से हमने लिखा समीकरण f y = 0, r b अपवर्ड डायरेक्शन में, r b अपवर्ड डायरेक्शन मींस ये दो जो फोर्स हमारे पास वो कैसे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन से हमारे पास एक फोर्स कितना है 8 किलो न्यूटन। यहां से हमने अप्लाई किया आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्लियर है क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास दो नोन एक आर ए बी और एक आर बी। अब इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन हमारे पास कि समीशन एम इक्वल टू 0 मींस मोमेंट इस एक पॉइंट पे होगा। यहां पर हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, ए सी और बी। हमने यहां पे क्या किया, पॉइंट ए की मूवमेंट और पॉइंट ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहां से हम देखते हैं आर ए एच हमारे से पास हो रहा है ए पॉइंट से, तो इसका मूवमेंट कितना होगा 0। ये जो फोर्स हमारे पास रिएक्शन है मूवमेंट कितना देगी 0, क्यों, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को फाइंड कर रहे हैं ए पॉइंट। आर ए बी ये भी कहां से पास हो रहा है, ए पॉइंट से, तो इसका मोमेंट कितना होगा 0। अब हमारे पास दो फोर्स होते हैं, एक हमारे पास 10 न्यूटन का और सेकंड हमारे पास आर। अब ए के और देखेंगे इसका एरो इधर है डाउनवर्ड साइड, तो ये हमारा प्रिंट कराएगा इसको क्लॉकवाइज, जो 10 न्यूटन है वो ए के और क्या होगा क्लॉकवाइज, और मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से जहां से क्या कर रहे हैं मोमेंट को निकाल रहे हैं, हम कहां से निकाल रहे हैं ए पॉइंट से, ए
A point is 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर तो हमने क्या किया पहले क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा कितना होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये किसके इक्वल होगा क्लॉकवाइज मोमेंट है ये इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अब ए के अबाउट आर वैल्यू लेंगे तो आर का मान क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ए से जो आर की है उसकी डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर तो मोमेंट कितना आ जाएगा आर वी इनटू 4 आर वी इनटू 4 इसको हम सॉल्व करेंगे यहां से हमारे पास आर वी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20/4 इक्वल टू 5 किलो न्यूटन हमारे पास आर वी आया आर वी की वैल्यू कितनी होगी 5 किलो न्यूटन बीच में क्या दिया यहां से टी में से हमारे पास दो अननोन फाइंड हो गए अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे हमारे पास क्या आएगा आर की वैल्यू आ जाएगी तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आर ए पी प्लस आर बी आर की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 10 आर ए पी इक्वल टू हमारे पास था 10 माइनस 5 और आर ए बी इक्वल टू 5 किलो मीन्स यहाँ से क्या किया हमने जो हमारे पास तीन रिएक्शन थी तीनों रिएक्शन को फाइंड किया अब हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था हमारे पास फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट मीन्स हमारे पास ए पॉइंट पे रिएक्शन पॉइंट में थी और बी पॉइंट पे रिएक्शन पॉइंट में तो बी पॉइंट पे हमारे पास रिएक्शन ए थी वो कौन सी हमारे पास आर बी तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलो न्यूटन अब बात करते हैं ए पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमारे पास दो रिएक्शन है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल अगर हमें फाइंड करना है फाइंड क्या करना है रिएक्शन एट ए पॉइंट तो रिएक्शन एट ए पॉइंट आर ए अब ए पॉइंट की बात करते हैं कैसे है हॉरिजॉन्टल और ये कैसी है वर्टिकल यहां से कितना आएगा आर ए इक्वल टू अंडर रूट आर ए एच का होल स्क्वायर प्लस आर ए बी का होल स्क्वायर हॉरिजॉन्टल हमारे पास वर्टिकल है अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल में क्या करेंगे यहां पर हमने सिंगल पॉइंट को दिया था अब क्या करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट को बढ़ा देंगे तो यहां पर क्या करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हम पॉइंट को बढ़ा देंगे यहां पर हमारे पास एक वन टाइम लगा हुआ था अब हम क्या करेंगे पॉइंट को 2 या 2 से ज्यादा वाला अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हमारे पास सेकंड वेरिएबल है उसका डायग्राम इस टाइप से ये हमारे पास इन सपोर्ट ये हमारे पास बॉर्डर सपोर्ट
फर्स्ट फोर्स हमारे पास है रूबी न्यूटन और सेकंड फोर्स हमारे पास इंक्लाइन फोर्स है टेन एंगल 45 डिग्री 300 न्यूटन। डिस्टेंस हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस हमें क्यों होते हैं 2 मीटर 2 मीटर एसी की डिस्टेंस है
3 under root 2 sin 45. 3 under root 2 sin 45. ये तो बात नोट और इस कैलकुलेशन से कि ये पॉइंट से 2 plus 2 equal to 4. इसे सॉल्व करना है 2 into 2 4 plus 3 under root 2 into 1 upon under root 2 into 4. तो 3 into 4 12 12 plus 4 16. R B into 6. अगर यहाँ से R B की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा 16 upon 6. इसे कैंसिल आउट करो तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 8 upon 3. ये इसका आपस में जोड़ने कितना है 2.67 किलो न्यूटन. तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी है R B की 2.67 किलो न्यूटन. अब R B की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट नंबर पर है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट नंबर पर होगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी आर ए बी प्लस 2.67 इक्वल टू 5. आर ए बी इक्वल टू 5 माइनस 2.67. आर ए बी इक्वल टू 2.33 किलो न्यूटन. यहां से क्या किया आर ए एच की वैल्यू फाइंड की आर बी की वैल्यू फाइंड की और आर ए अब हमारे पास ए पॉइंट पे क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम क्या करेंगे रिएक्शन है ए पॉइंट कितना है हमारे पास आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर. यहां से क्या करेंगे आर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा किलो न्यूटन. दोनों वैल्यू को क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2.33 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का सम करके क्या करेंगे अंडर रूट फाइंड करेंगे. यहां से क्या है हमारे पास आर ए की वैल्यू है. उसके बाद हम फाइंड करेंगे एंगल. हमारे पास कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू आर ए बी अपॉन आर ए एच. आर ए बी और आर एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2.33 अपॉन. इसको सॉल्व करेंगे थीटा इक्वल टू आएगा हमारे पास जो आएगा थीटा कितने हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे अगर इसे डायग्राम में शो करें तो हमारे पास क्या आएगा ये आर है और यहाँ से एंगल आ गया हमारे पास इस आर ए का वर्टिकल कंपोनेंट और इस आर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो हमारे पास ये हुआ पॉइंट टू मीन्स एक से ज्यादा पॉइंट टू डब्बा ये हो और उसमें भी क्या हो कोई एक लोड या दो लोड या ज्यादा लोड कैसे हो इंक्लाइन हो. इंक्लाइन में क्या करेंगे पहले उनके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे फिर हम तीन कंडीशन बनाए जाएंगे समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो और समीशन एम इक्वल टू जीरो. इन तीन कंडीशन अप्लाई करने के क्या करेंगे जो भी रिएक्शन होगी और रिएक्शन के कंपोनेंट होंगे जो भी रिएक्शन होगी और रिएक्शन के कंपोनेंट उनको फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया रिएक्शन है बी पॉइंट फाइंड की और ए पॉइंट पे क्या हुआ उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया. इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या किया रिएक्शन है ए पॉइंट फाइंड